कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। अगर दो दिन में उसका फोन नहीं आया तो आप उसके घर जाइए, कारण पता कीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। आप सोच लेते हैं तो लगता है कि शूटिंग हो गई है, बस ट्रायल देखना बाकी है। देखना, आज रात की पार्टी में भी बस ऐसा ही होगा। इसको और इंतजार करने दो रोमी, और इंतजार करने दो। तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। संजीव फेमस एग्जीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, काफी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की है और काफी फिल्म प्रोड्यूस भी की है। ये है वो शाइनिंग। हेलो यार, ड्रिंक ड्रिंक होए, चलो ड्रिंक ड्रिंक एंजॉय करो, एंजॉय योर पार्टी। रोमी, अब यहाँ पार्टी में कुछ नहीं बचा, हमें चलना चाहिए। ओके के साहब। अरे कहाँ चल रही आप? अब तो पार्टी शुरू हुई है। शबाब कबाब खान वीरू, केके ने बहुत सी पार्टियां देखी हैं, बहुत सी शराब देखी है, बहुत सी शराब देखी है। हाँ, एक बार चाहता था कि आपकी बॉलीवुड में साइन की हीरोइन को कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं एक बार और, जाते समय उससे विश कर लूं, लेकिन उसके पास वक्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, अच्छे सेक्रेटरी का काम है कि अपनी हीरोइन को टाइम से सेट पर पहुंचाए, और तुम अच्छी सेक्रेटरी का काम अच्छी तरह निभाओगे ये मैं सोचता हूँ। कल 9 बजे उर्वशी मेरे सेट पे होना चाहिए। ओके कल तो क्या पूरे महीने की डेट्स कैंसिल की के वीरू को सिखाता है उसका काम। मैं देखता हूँ तेरी फिल्म कैसे बनती है। यस अब्दुल अंकल, अस्सलाम वालेकुम, कहिए। वालेकुम सलाम मियां। मियां आप हमें कभी भी सलाम करना नहीं भूलते, ना ही हमारी आवाज। फोन लगा नहीं क्या? आप हमें फौरन पहचान जाते हैं। अंकल, मोम डैड पता क्या कहते थे कि ईमानदारी, इज्जत और तहजीब का एक ही नाम है, मोहम्मद अब्दुल्ला। अरे जब वो आपकी इतनी इज्जत करते थे तो मुझे तो आपको झुक झुक के सलाम करना चाहिए। बेटे, फरिश्ते जमीन पर अपने दीदार कराने के लिए यहाँ आते हैं, आपके हम भी, और अब वो भी फरिश्तों की तरह यहाँ आए, हम सबको अपना दीदार कराया, हमें सिखाया इंसानियत का सबक, मुश्किलों से जूझने का सबक, और हमें अपनी हसीन यादें देकर आसमान में चले गए। कहाँ चले गए अंकल? कहीं नहीं गए, वो हमेशा हमारे साथ थे। इस चीज का वो मुझे एहसास भी करवाते हैं। मेरी तो टिकट भी हो चुकी थी, एग्जाम के बाद मैं इंडिया आने ही वाला था। अचानक पापा ने मुझसे कहा, बेटा प्रेम, मेरा इंग्लैंड में ओल्ड होम के ड्रीम को कौन पूरा करेगा? बस उसी को पूरा करने के लिए यहाँ रुक गया अंकल। आप सच कह रहे हैं प्रेम साहब, वो सचमुच हमारे साथ है, वरना आपका इंडिया का अरबों का कारोबार, भला मुझ जैसा इंसान जिसे धंधे का अलखे तक नहीं मालूम कैसे संभाल पाता।
रोज हमें आकर रास्ता दिखाते हैं। और हाँ बेटे, इस साल हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा हुआ है। क्या बात कर रहे हो अंकल, वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, इस मुनाफे का आधा हिस्सा इंडिया के सभी जरूरतमंदों के बीच में बंटवा दीजिए। लेकिन याद रहे, एक एक पैसा सिर्फ जरूरतमंदों के हाथों में ही जाए। और आप एक काम कीजिए, बाकी का पैसा एक नए प्रोजेक्ट पे लगा दीजिए। लेकिन सिर्फ मेरी एडवाइजरी ऑफ डायरेक्टरी की सलाह से, मैं आपको उन सब का जेरोक्स और फैक्स कर दूंगा। अच्छा मियाँ, ये बताइए कि आप हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? बस अंकल, बहुत जल्द आ रहा हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज अंकल। वाह खुदा, तूने ऐसे नेक इंसान को जमीन पर भेज दिए हैं जिसमें तेरा दीदार होता है। छोटे मियाँ तो विलियम वालिस साहब की राहों पर चल रहे हैं। ₹500, 500 चुराऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। आज 100 से ही काम चला लेता हूं। हेलो सर, मैं रोमी बोल रहा हूँ सर। हाँ बोल रोमी। सर उवशी जी ने आज की डेट कैंसिल कर दी। वीरू का फोन आया था सर, कह रहा था मैडम की तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ तबीयत को? रात को तो महारानी वो हीरा हरीश तनवानी के साथ मौज मस्ती उड़ा रही थी, कहीं पीना तो शुरू नहीं कर दिया महारानी ने? सर ये तो हमें पता नहीं, आप तो जानते ही, मैं तो आपके साथ निकल आया था सर। हाँ ठीक है, वीरू से फोन लगा के पूछो, कल हम शूट रख सकते हैं। अरे सर कहेगा क्या, बड़ा अजीब सी बातें करता है सर, बहुत अनप्रोफेशनल बातें करता है। हमने उससे पूछा कि उर्वशी जी की तबीयत अब कैसी है, तो कहता है सर कि उर्वशी जी की तबीयत के बारे में जब डॉक्टर ठीक से नहीं बता सकते तो भला मैं कैसे बता सकता हूँ। सर बताइए भला, ये कोई बात होती करने वाली? समझ गया, सब समझ रहा हूँ। ठीक है, सबको इन्फॉर्म कर दो शूटिंग कैंसिल और तुम वापस आ जाओ। ठीक है सर, मैं पहुँचता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो, हाँ आरसी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आज सुबह सुबह फ़ोन, खैरियत तो है जनाब? कैसी रही कल की पार्टी? क्या बताऊँ यार, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, तुझसे मिलना चाहता हूँ। तो एक काम करो, 12 बजे के बाद ऑफिस में आ जाओ, या फिर 12 से पहले घर पे, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है आरसी, मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ। ओके। आरसी, अरे के क्या लोगे बोलो। नो फॉर्मेलिटी यार, ये जो उर्वशी है ना, अब ये मेरे साथ फिल्मी गेम खेल रही है, ये बहुत बहुत गलत लोगों के चंगल में फंस गई है। वो शैतान, उसे जो समझाते हैं वो समझती है, जो सुनाते हैं वो सुनती है, जो दिखाते हैं वो देखती है। मुझे तो लगता है कि उसके दिमाग के ऊपर शैतान रूल कर रहा है। यू मीन दिमाग की सवारी? Impossible. क्या impossible है आरसी? क्या तू सोच सकता है कि उर्वशी मुझे डेट्स नहीं दे सकती, मुझे करोड़ों का चूना लगा सकती है?
पॉसिबल है। क्या तू सोच सकता है कि उर्वशी हीरा हरीश तनवानी जैसे अय्याश प्रोड्यूसर की बाहों में झूल सकती है? केके प्लीज स्टॉप ऑल दिस, आई डोंट वांट टू लिसन दिस। अरे यार, मैंने उसे बेटी समझा है, शी जस्ट लाइक माय डॉटर, यू नो। यू आर राइट, आई नो आरसी, पर क्या करें, हम सब ठगे जा चुके हैं आरसी, ठगे जा चुके हैं। कल की आई लड़की ने हमें बता दिया कि इंसानियत क्या चीज है, हैवानियत क्या चीज है। तो अब क्या करें? What do you think? यार, तेरे साथ ये डिस्कस करने आया था। मेरा दिमाग तो सोच के पागल हो गया है। मेरे दिमाग की नसें ठकने लगी हैं यार। तू तो मेरा दोस्त है ना यार, पता क्या करूं? ठीक है केके, तू मुझे कल तक का वक्त दे, एक बार मैं उर्वशी से मिलना चाहता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं। अरे मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड करने वाला चाहे मेरा अपना ही क्यों ना हो, नहीं बख्शा जाएगा। तू कल तक का इंतजार कर, सिर्फ कल तक का। क्या हुआ भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो कल में कुछ गड़बड़ हुई है, उसी सिलसिले में बात करनी तुमसे। हाँ बोलिए। वो मैंने 500 रुपए रखे थे कबर्ड में, गायब हो गए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यू मीन पापा? 100%, और कौन हो सकता है। पर जब मैंने सीरियसली सोचा तो अंदर से बहुत गिल्टी महसूस हुई। क्या सोचा, कैसी गिल्टी? अब देख, हम दोनों बाहर जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, पर पापा जब से आए हैं उन्होंने अपनी कमाई के सारे पैसे भी हमें दे दिए। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, पूरी आदतें भी लगी होंगी, जैसे कि शराब तंबाकू वगैरह वगैरह। तो सोच, घर में पड़े पड़े घबरा जाते होंगे। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने इसी घबराहट में चोरी कर ली होगी। उनके पास तो अपने लिए एक पैसा तक नहीं है। Yes, you are right. यही हुआ होगा। लेकिन अब क्या किया जाए? करना क्या है? मम्मी से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि पापा को कुछ पॉकेट मनी दी जाए ताकि वो बाहर जाए और अपनी पसंद का काम ढूंढे। अब दिन भर घर में पड़े पड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे ना, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये क्या मीटिंग चल रही है भाई बहन में, और मुझसे क्या कहना चाह रहे थे तुम? वो मम्मी, मैं कह रहा था कि पापा को कुछ पॉकेट मनी दी जाए ताकि वो बाहर जाएं और अच्छा काम ढूंढे, वो दिन भर कैदियों की तरह घर में ही रहते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। पता नहीं कहाँ से आ गए दुष्ट इंसान वापस हमारे जीवन। क्या माँ, कितना बुरा और कड़वा सोचती हो आप पापा के लिए। इतने दिन से हम सब देख रहे हैं, एक कोने में खामोश तो पड़े रहते हैं वो। बेटा, ये तूफान से पहले की खामोशी है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस इंसान को जब मैं पहली बार मिली थी तो मुझे ये फरिश्ते से कम नहीं लगता था, पर जैसे ही मैंने इसके साथ शादी की तो इसका जो रंग बदलता गया, पता नहीं क्या से क्या हो गया ये इंसान। खैर, तुम बोलते हो तो मैं देकर देखती हूँ इसको पॉकेट मनी, ताकि कल को तुम लोग मुझे दोष ना दो। हम लोग सही कर रहे हैं ना? ठीक है, फिर तुम जाओ। ये मेरे साथ अब फिल्मी गेम खेल रहा है। वो शैतान, उसे
जो समझाते हैं वो समझती है, जो सुनाते हैं वो सुनती है, जो दिखाते हैं वो देखती है। मुझे तो लगता है कि उसके दिमाग के ऊपर शैतान रूल कर रहा है। क्या तू सोच सकता है कि उर्वशी हीरा हरीश तनवानी जैसे अय्याश प्रोड्यूसर की बाहों में झूल सकती है? ये कहां फंस गई उर्वशी, किन शैतानों के बीच? मुझे उसके घर जाना होगा। देखो साईं, हाँ जी, मैं एग्रीमेंट तो लेके आ गया है, मगर अभी तक मैडम नहीं आई यार। अरे तनवानी साहब, जरा सब्र कीजिएगा, अच्छा काम होने में जरा टाइम तो लगता है। हीरोइन है, रेडी हो रही है। ओ लो लो आ गए। अरे तनवानी जी। हाँ हाँ मैडम, नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए बैठो प्लीज, आप भी बैठो। हाँ जी, आज तो बड़ा डाडो सुठो लग रही है मैडम। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या बोल रहा था, एग्रीमेंट साइन होते ही कुछ चेयर्स तो होना चाहिए ना आज। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तनवानी साहब, चेयर्स तो आज हम भी करेंगे, क्योंकि हमारी उर्वशी जी ने हॉलीवुड की फिल्म साइन की, यानी हमने। हाँ ऑफ कोर्स, शांति भाई जरा ड्रिंक्स लेकर आओ। ड्रिंक्स तो लाएगा ना, एक मिनट, ये फॉर्मेलिटी तो पूरा करें ना, जरा एग्रीमेंट पे साइन मैडम। पेन? अरे पेन भी लेके आया साइन, मैं सब पूरा रेडी करके आया है मैं। ये लो मैडम, जरा साइन। वीरू जी करो ना। अरे कर दीजिए, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। ओके ये हो गया। शांता भाई ड्रिंक्स तो लाओ। साइन हो गया, मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू, आपको भी कांग्रेचुलेशंस। आपको भी मुबारक हो। ये इसकी कॉपी मैं ऑफिस में। अच्छा अच्छा, आहा आ गया। लो आहा, मिल सा, ये आपके लिए है कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू, आज तो मैं आपको सर्व करूंगी। मैडम सर्व तो ठीक है, मैं तो सोचा था आपके साथ आज चेयर्स करूंगा, मगर कोल्ड ड्रिंक के साथ नहीं, इसके साथ। अब नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी तनवानी जी, दरअसल मैं शराब नहीं पीती। उर्वशी जी, आप इसे मना नहीं कीजिए, दरअसल ये खुश रहने वालों के लिए, थके हुए लोगों के लिए ऊपर वाले का एक अनमोल तोहफा है, आप इसे मना नहीं कीजिए प्लीज। वो कहते ना, 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 ना। बस बस वीरू जी, देखिए मैंने आज तक पी नहीं है, सो प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। तो छोड़ो वीरू जी यार, मैडम तो पीती नहीं है, तो मैं भी चलता हूँ यार, क्या फायदा तुम्हारी माटी। अरे ना तनवानी साहब बैठिए तो सही, तनवानी साहब हमारी महफिल छोड़ के, मैं आपको कंपनी दे रहा हूँ ना। अरे तुम्हारी कंपनी में क्या करेगा, अरे मैडम को साइन किया है तो मैंने कहा मैडम के साथ शेयर होता तो अच्छा था ना। तनवानी साहब मैडम चुप है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने ना कहा है ना, शिवल है ना। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, आपकी ना में हाँ है, मेरे को नहीं मालूम। वेरी गुड वेरी गुड। अरे फिर पैक बनाओ ना। अच्छा है, बना रहा हूँ ना। मैडम देखना, ये जो अपनी फिल्म है ना, क्या बम्पर बनने वाली है। अरे क्यों नहीं, और आप जैसा हीरोइन काम करेगा तो फिर तो पूछो मत। पर हिट होगी सर, ये बन गया। कुछ घंटी बजाए, इस वक्त कौन आया होगा? कोई बात नहीं, हमारा आदमी आया होगा, क्योंकि आपको कैश की जरूरत थी ना, वो कैश लेके आया होगा। ठीक है शांति भाई, जरा दरवाजा खोलना। वो क्या है? हाँ, खोल कि वीरू से मेरी बात हुई थी, वो बोला था कि आधा कैश आधा चेक लेके आ रहा है। अच्छा। तो वो कैश और चेक दोनों साथ में लेके आ रहा है। अच्छा। तो सेलिब्रेट करें। अरे सेलिब्रेट करो ना, चलो चलो। देखो हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला।